गाइज, अक्सर मूवीज के लिए हम लोग सुनते हैं कि इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे 100 करोड़ का बिजनेस किया या 500 करोड़ का बिजनेस किया या 1000 करोड़ का बिजनेस किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस पूरी ही दुनिया में ऐसी कौन सी मूवी है जिसने बॉक्स ऑफिस पे वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा कलेक्शन किया है और कितना कलेक्शन है? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं। वो है हॉलीवुड की मूवी अवतार, जिसने 2.8 बिलियन यानी कि 17,000 करोड़ रुपए का वर्ल्ड वाइड बिजनेस किया है। अब आप कंपैरिजन करके देखिए, 1,000 या 2,000 करोड़ नहीं, पूरे 17,000 करोड़ रुपए का वर्ल्ड वाइड बिजनेस। गाइज, अगर आपने अभी तक ये मूवी नहीं देखी है तो जरूर जाके देखिएगा, क्योंकि जो इमेजिनेशन का इस्तेमाल करके मूवी को पर्दे पे उतारा गया है वो अनइमेजिनेबल है। गाइज, ये फैक्ट जानकर आपको कैसा लगा चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, क्या आपको पता है कि भूटान इको फ्रेंडली कंट्री होने के साथ साथ पूरी ही दुनिया की इकलौती कार्बन नेगेटिव कंट्री भी है? पर सवाल यह है कि आखिर कार्बन नेगेटिव कंट्री होती क्या है? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूँ। इसका मतलब यह है कि भूटान जितनी CO2 प्रोड्यूस करता है उससे कहीं गुना ज्यादा वहाँ के फॉरेस्ट CO2 को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जो कि हमारे एनवायरमेंट के लिए बहुत अच्छी बात है। पर ये सब पॉसिबल हो पाया है वहां के लोगों की सोच की वजह से। जैसे कि सन 2016 में भूटान की महारानी ने एक राजकुमार को जन्म दिया और बजाय बड़ी सी पार्टी देने के वहां के राज परिवार ने 1,08,000 ट्रीज को भूटान में प्लांट किया। कितनी अच्छी सोच है ये। आपका इसके बारे में क्या विचार है चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइज, अगर आप बाइक चलाने के शौकीन हैं, तो ये फैक्ट स्पेशली आपके लिए। क्या आपको पता है कि इंडिया में चप्पल पहन के बाइक चलाना गैर कानूनी है? जी हाँ गाइज, हालांकि हम इसे सीरियसली नहीं लेते, लेकिन ये बात सच है। इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के हिसाब से आप चप्पल पहन के बाइक नहीं चला सकते, क्योंकि ये सेफ नहीं माना जाता। उसके पीछे का पहला रीजन ये है कि अगर आप चप्पल पहन के बाइक चला रहे हैं तो आपको गियर बदलने में कभी ना कभी प्रॉब्लम जरूर आएगी। नंबर दो, अगर आपकी बाइक गलती से स्लिप हो गई और अगर आपने चप्पल पहन रखी है तो आपको चोट लग सकती है, और वहीं अगर आपने जूते पहन रखे हैं तो आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो। नंबर तीन, जूते पहन के किक मारना भी बेहद आसान होता है, वहीं अगर आपने चप्पल पहन रखी है तो किक मारने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है। है ना इंटरेस्टिंग फैक्ट? आपको ये फैक्ट जान के कैसा लगा चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइज, आप लोगों ने अक्सर पुलिस वालों को भी ट्रैफिक रूल्स को तोड़ते हुए देखा होगा, और मजे की बात यह है कि ट्रैफिक पुलिस वाले उन पुलिस वालों को कुछ भी नहीं कहते। लेकिन थांबा, हर जगह पे ऐसा नहीं होता। इस इमेज को ध्यान से देखिए। इस इमेज में एक ट्रैफिक पुलिस वाला दूसरे पुलिस अफसर का चालान काटता हुआ दिख जाएगा। ऐसा इसीलिए हुआ कि उस पुलिस वाले ने ट्रैफिक रूल्स को तोड़ा और साथ ही में हेलमेट भी नहीं पहना। और इस इमेज से ये साफ साफ संदेश जाता है कि आप चाहे जो भी हो, चाहे कुछ भी हो, आप लोगों को भी रूल्स फॉलो करने चाहिए। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइज, ये घटना है जापान की, जहां के एक ट्रेन स्टेशन कायोशिराताकी को यात्रियों की कमी की वजह से बंद करने का फैसला लेना पड़ा। लेकिन जैसे ही वहां की गवर्नमेंट को ये पता लगा कि इसी रेलवे स्टेशन से एक छोटी सी स्कूल जाने वाली बच्ची अपने घर से स्कूल और स्कूल से घर आया जाया करती है, तो वहां की गवर्नमेंट की संवेदनशीलता देखिए। जब तक उस लड़की की ग्रेजुएशन पूरी नहीं हो गई, उस ट्रेन स्टेशन को बंद ना करने का फैसला लिया गया। गाइज, कोई भी देश एजुकेशन से ही आगे बढ़ता है, और हर एक सरकार को एजुकेशन के लिए ऐसी संवेदनशीलता दिखानी ही चाहिए। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइज, आप लोगों ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी ATM मशीन तो इस्तेमाल की होगी, लेकिन क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि ATM मशीन को इन्वेंट किसने किया था? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूँ। ATM मशीन को इन्वेंट करने वाले बंदे का नाम था जॉन शेफर्ड बेरोन। लेकिन इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और है। जब उसने ATM मशीन को इन्वेंट किया था तो 6 डिजिट का पासवर्ड सिस्टम उसने रखा था, लेकिन उसकी वाइफ को एक्चुअली 6 डिजिट का पासवर्ड कभी याद ही नहीं रहता था। हाँ, इनिशियली 4 डिजिट याद रह जाते थे, और इसी वजह से 6 डिजिट का पासवर्ड सिस्टम बदल के उसने 4 डिजिट का पासवर्ड सिस्टम कर दिया, जो कि आज हम लोग इस्तेमाल भी करते हैं। तो उसकी वाइफ की वजह से हम लोग 4 डिजिट का पासवर्ड सिस्टम इस्तेमाल करते हैं। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जानकर आपको कैसा लगा चैट सेक्शन में लिखना मत।